हेलो एवरीवन, वेलकम टू कुशिका एजुकेशन। मैं हूं आपके एजुकेटर पूर्णिमा। इस वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे आपके कंप्यूटर के क्वेश्चन, क्योंकि जो केवीएस का नया सिलेबस है उसमें आपके कंप्यूटर के क्वेश्चन भी आएंगे। तो हम डेली एक 20 या 15 मार्क्स का आपका मॉक टेस्ट डालेंगे, जिससे आपका डेली प्रैक्टिस होती रहेगी और आपको कहीं और से ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि ज़्यादा मार्क्स का आने वाला भी नहीं है आपका। लेकिन एक नया इंट्रोड्यूस होगा और एक एक मार्क्स इंपॉर्टेंट होता है, तो ये क्वेश्चंस भी आप डेली बेसिस पर करते रहना। तो स्टार्ट करते हैं। विच ऑफ़ द फॉलोइंग आर कंप्यूटर्स दैट कैन बी कैरीड अराउंड ईजली। वो कंप्यूटर्स कौन से होते हैं जो आसानी से कहीं भी ले जाए जा सकते हैं, ठीक है? मिनी कंप्यूटर्स, पीसी, सुपर कंप्यूटर, लैपटॉप या नन ऑफ दिस। जो आंसर है वो आपका है डी, लैपटॉप को हम कहीं पर भी ले जा सकते हैं आसानी से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द बेसिक गोल ऑफ कंप्यूटर प्रोसेस इज टू कन्वर्ट डाटा इनटू। जो बेसिक गोल है कंप्यूटर प्रोसेस का वो क्या है? फाइल्स, कन्वर्ट करना डाटा को फाइल्स में, टेबल्स में, ग्राफ में या इन्फॉर्मेशन में। जो आंसर है आपका, बेसिक जो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव होता है कंप्यूटर प्रोसेस का, वो होता है डाटा को इन्फॉर्मेशन में कन्वर्ट करना, ओके? थर्ड क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग रेफर टू द फास्टेस्ट, बिगेस्ट एंड मोस्ट एक्सपेंसिव कंप्यूटर। आपको बताना है जो सबसे तेज़ है, सबसे बड़ा है और सबसे ज़्यादा महंगा भी है, वो कौन सा कंप्यूटर है। एक्चुअली ये क्वेश्चन वो हैं जो आपके किसी न किसी एग्ज़ाम में पहले आए हुए हैं, तो थोड़े इंपॉर्टेंट है, इसीलिए हम डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पर। पर्सनल कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर, लैपटॉप, नोटबुक या फिर नन ऑफ दिस। आंसर है सुपर कंप्यूटर, ओके? नेक्स्ट, ए सेंट्रल कंप्यूटर, एक सेंट्रल कंप्यूटर होता है दैट होल्ड कलेक्शन ऑफ डाटा, जो बहुत सारा डाटा कलेक्ट करता है, प्रोग्राम बहुत सारे पीसी से जुड़ा होता है, वर्क स्टेशन से और अदर कंप्यूटर से, इज़ अन सुपर कंप्यूटर, लैपटॉप, मिनी कंप्यूटर, सर्वर या नन ऑफ दिस। जो आंसर है वो है आपका सर्वर। सर्वर से ही बहुत सारे कंप्यूटर जुड़े होते हैं, वहीं से हम अपना डाटा उठाते हैं। कई बार आपने देखा होगा जब आप कोई फॉर्म भरते हैं तो साइट आपको मैसेज देती है कि सर्वर इज़ डाउन, क्योंकि वहां से आपके पास डाटा आ रहा होता है और आपका कंप्यूटर वहां से जुड़ा हुआ होता है। तो सर्वर जो सेंट्रल कंप्यूटर होता है उससे बहुत सारे प्रोग्राम, मैनी पीसी, वर्क स्टेशन और कंप्यूटर जुड़े होते हैं। नेक्स्ट है आपका फिफ्थ क्वेश्चन, ए डैश इज़ एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस दैट प्रोसेस डाटा कन्वर्टिंग इट इनटू द इंफॉर्मेशन, ठीक है? एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो आपका कन्वर्ट करता है डाटा को इंफॉर्मेशन में। कंप्यूटर, सी केस, प्रोसेसर, स्टाइलस। यहाँ पर देखिए आपका क्या है, अगर ये प्रोसेसर यहाँ पर ऑप्शन में नहीं होता तो आप कंप्यूटर लगा सकते थे, लेकिन अभी आपका प्रोसेसर दिया हुआ है और डाटा को इन्फॉर्मेशन में प्रोसेसर ही आपका कन्वर्ट करता है। नेक्स्ट है, ए सेंट्रल कंप्यूटर दैट होल्ड्स कलेक्शन प्रोग्राम्स फॉर मैनी पीसीज, वर्क स्टेशंस और कंप्यूटर्स। अगेन एक्चुअली रिपीट हो गया क्वेश्चन, वो IBPS PU में था, ये हम कर चुके हैं। अब पर्सनल कंप्यूटर कैन बी कनेक्टेड टुगेदर टू फॉर्म, पर्सनल कंप्यूटर जो है वो कनेक्ट किया जाता है एक दूसरे से, क्या करने के लिए? आपका नेटवर्क बनाने के लिए, ठीक है? बहुत सारे कंप्यूटर्स को जब हम कनेक्ट कर देते हैं तो वो एक नेटवर्क बन जाता है। नेक्स्ट आएगा आपका क्वेश्चन, पोर्टेबल कंप्यूटर Also known as laptop computer weighing between 4 and 10 pounds is called। जो लैपटॉप आपके 4 से 10 pounds के बीच में होते हैं, उनका वेट जो होता है, तो उनको क्या कहते हैं? जर्नल पर्पज़ एप्लीकेशन, इंटरनेट, स्कैनर, यहाँ पे पोर्टेबल भी है ये भी ध्यान रखना, ठीक है, प्रिंटर या फिर नोटबुक कंप्यूटर। ऐसे कंप्यूटर्स को नोटबुक कंप्यूटर कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आई होप कि आप सबको ये बेसिक क्वेश्चन आते होंगे, बट एक प्रैक्टिस हो जाएगी हमारी और कहीं से हमें ज़्यादा नहीं करना पड़ेगा, ठीक है? तो विच ऑफ़ द फॉलोइंग इज़ द फास्टेस्ट टाइप ऑफ कंप्यूटर। फास्टेस्ट टाइप ऑफ कंप्यूटर यहाँ पर कौन से हैं आपके? जो फास्टेस्ट टाइप ऑफ कंप्यूटर है वो आपके सुपर कंप्यूटर हैं, ओके? तो नेक्स्ट है आपका, एक कंप्यूटर सिस्टम। यहाँ पे सिर्फ कंप्यूटर की बात नहीं हो रही है, यहाँ पे पूरे कंप्यूटर सिस्टम की बात हो रही है।
A computer system consists of hardware, software, peripheral device, all of these. तो आंसर इसका होगा all of these. ठीक है, कंप्यूटर जो सिस्टम होता है वो इन सब से मिलकर बना होता है. नेक्स्ट है 11th, ए डैश इज अ लार्ज, बड़ा एक्सपेंसिव कंप्यूटर कैपेबल ऑफ साइमल्टेनियसली प्रोसेसिंग डाटा फॉर हंड्रेड ऑफ थाउजेंड ऑफ यूज़र. बहुत सारे यूज़र का डाटा बिल्कुल एकदम से प्रोसेस कर सकता है, बड़ा होता है और एक्सपेंसिव भी होता है. तो ऐसे कंप्यूटर को क्या कहते हैं? ऐसे कंप्यूटर को मेन फ्रेम कंप्यूटर कहते हैं. ठीक है, नेक्स्ट है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ पर्सनल कंप्यूटर इज डिज़ाइंड टू मीट द कंप्यूटिंग नीड्स ऑफ, क्योंकि यहाँ पर पर्सनल कंप्यूटर दिया हुआ है तो ये स्पेशली डिज़ाइन किया जाता है इंडिविजुअल की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए. ठीक है, पर्सनल कंप्यूटर. नेक्स्ट 14th क्वेश्चन, सुपर कंप्यूटर डेवलप्ड बाय इंडियन साइंटिस्ट. एक सुपर कंप्यूटर जो कि डेवलप किया गया है इंडियन साइंटिस्ट के द्वारा, तो उसका नाम आपका क्या है? परम. ठीक है, नेक्स्ट है, ए कंप्यूटर यूज्ड एट सुपर मार्केट, डिपार्टमेंटल स्टोर्स एंड रेस्टोरेंट एक्सेट्रा. जो एक कंप्यूटर, छोटा सा कंप्यूटर जो होता है, जो सुपरमार्केट में या फिर आप कहीं पर किसी मॉल वगैरह में जाते हो तो वहाँ पे एक कंप्यूटर यूज़ किया जाता है. ठीक है, सुपरमार्केट में, डिपार्टमेंटल स्टोर में या फिर रेस्टोरेंट में, तो उसको क्या कहते हैं? उसको POS टर्मिनल कहते हैं. ठीक है, उसको POS टर्मिनल कहते हैं. नेक्स्ट जो है आपका 16th क्वेश्चन, सुपर कंप्यूटर डैश, यहाँ पे सुपर कंप्यूटर के बारे में बताना है, आर स्मॉल इन साइज एंड प्रोसेस, ये गलत है, स्मॉलर नहीं होते वो साइज़ में, आर कॉमन इन मेजोरिटी ऑफ हाउस होल्ड, बिल्कुल भी नहीं, कंटेन थाउजेंड ऑफ माइक्रो प्रोसेसर, आर रेयरली यूज्ड बाय रिसर्चर ड्यू टू देयर लैक ऑफ कंप्यूटिंग कैपेसिटी, आर ऑफ अ सेम साइज एज अ लैपटॉप. तो ठीक है, देखिए अगर बाकी तो सारे आपके वैसे ही कट हो रहे हैं तो आपका जो ऑप्शन बचता है, ठीक है, तो यहाँ पर आएगा कंटेन, यहाँ पे आपका आएगा कंटेन थाउजेंड ऑफ माइक्रो प्रोसेसर. ठीक है, सुपर कंप्यूटर का. तो ये हमारे फर्स्ट अप्रोक्स आपके 15 क्वेश्चन हो गए हैं. नेक्स्ट मॉक टेस्ट आप लोगों के रिस्पॉन्स के अकॉर्डिंग हमारा चलता रहेगा, क्योंकि अगर डेली हम थोड़ा थोड़ा करेंगे तो वो 10 मार्क्स जो आपके ज़रूरी हमें चाहिए हैं, ठीक है, वो KVS के कंप्यूटर के 10 मार्क्स ईजिली हम ले सकते हैं. ठीक है, ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी और आसानी से हो जाएंगे. तो गाइस वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें. थैंक यू.